हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ यार आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, पता है यार वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, थोड़ा फ़ोन का इशू था। नया फ़ोन लिया आपके भाई ने, तो अब वीडियो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में शूट हो रही है। तो चलिए बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो दोस्तों, पहली जो ट्रिक है वो हमारी काम कर रही है इस वाले वेयर हाउस में, जॉर्जियापोल में। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप उसकी खिड़की तक आप जा सकते हो। आपको सबसे पहले यहाँ पर लेज ग्रैब करना है। लेज ग्रैब करने के बाद दोस्तों, एक दो बार आप ट्राई करोगे स्प्रिंट लॉक करके, तो आप यहाँ पे बड़ी ही आसानी से चढ़ जाओगे। और आपको यहाँ पर जंप करना है इसके ऊपर, नहीं इसके ऊपर नहीं, आपको थोड़ा साइड पे जंप करना है, जहाँ पर आपको ये लोहा सा दिख रहा है, ठीक है। आपको जंप करके अपनी जॉयस्टिक को इस पोजीशन में ले आना है जिस पोजीशन में मैं ला रहा हूँ। और यहाँ पर जब आप जंप करोगे, और जंप करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर जंप करनी है। और यहाँ पर आने के बाद अगर कोई भी एनिमी कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ होगा, तो भाई आप बहुत ही आराम से उसको मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे कवर भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर एनिमी कोई अंदर भी आ रहा हो, तो आप उसे अंदर भी बेहद ही मज़े से आप उसको नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। और आपका एनिमी किसी भी कीमत पर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई यहाँ पर भी हो सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों, हमारी अगली जो ट्रिक है वो काम करती है हर एक कंटेनर पर, ठीक है। जैसे हो गया जॉर्जियापोल में आपको बहुत सारे कंटेनर देखने को मिल जाएंगे, और आपको नोवो में भी बहुत सारे कंटेनर देखने को मिल जाएंगे। अब ट्रिक क्या वर्क करती है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कंटेनर के ऊपर एक और जो कंटेनर मिलता है, इसके बीच में आपको एक गैप मिलता है, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको स्प्रिंट लॉक करके आपको प्रोन होना है। जैसे ही आप एक दो बार यह करोगे, तो आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर आ जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, मैं इस ट्रिक को परफॉर्म कर ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पूरा अंदर नहीं जा पाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप भी नहीं जा पाते हो, तो आप बड़े ही आराम से यहाँ पर FPP स्विच कर सकते हो। FPP स्विच करने के बाद आप पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि बाहर जो भी एनिमी होगा, आप उसे किल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और यहाँ से आप ऊपर से भी आप अपने एनिमी को फायर दे सकते हो, अगर आपका एनिमी कंटेनर के ऊपर आ चुका होगा। और अगर आप पर एनिमी गलती से भी नेड मोली कुछ भी कर देता है, तो आप यहाँ पर फिनिश नहीं होने वाले हो, क्योंकि आप इस कंटेनर के अंदर हो। दोस्तों देखिए, जैसे अब यहाँ पर एक बोट आया, तो मैंने बोट को बहुत सारा डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन बोट का भाई बाल भी बाका नहीं हो पाया। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बाकी आप अंदर से बाहर मोली या नेड या स्मोक कुछ भी बहुत ही आराम से फेंक सकते हो। अब यहाँ से बाहर आने के लिए आपको स्प्रिंट लॉक करना है, और बार बार जंप का बटन प्रेस करते रहना है, तो आप बाहर आ जाओगे। दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और ये ट्रिक आपको पता थी या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर प्लीज़ चैनल पर नए हो, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगली ट्रिक जो हमारी काम कर रही है वो है अपार्टमेंट में। दोस्तों, ये ट्रिक जो है ये सिर्फ इसी साइड पे वर्क करती है, इस बात का ध्यान देना, दूसरी साइड पे ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। अब इस ट्रिक का काम क्या है कि एनिमी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर कैंपिंग करके बैठा हुआ होता है, तो आपको उसकी पोजीशन पता नहीं होती। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डोर को ओपन करके आपको इस दरवाजे को ओपन करके बस इसके ऊपर बार बार चढ़ना है, और एनिमी की लोकेशन आपको पता करनी है। जैसे ही आपको एनिमी की लोकेशन भाई पता चल गई, तो आप बहुत ही आसानी से इसका बूम बाम कर सकते हो। दोस्तों, अब देखिए, मैं इस साइड से भी ये ट्रिक ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस साइड से मैं दरवाजे के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। तो दोस्तों, इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। और अगर ये भी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अब अपलोड करता रहूँगा। पता है दोस्तों, काफ़ी देर बाद मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, उसके लिए सॉरी। अब रेगुलर वीडियोस आती रहेगी, बस अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।